तो देखिए, ये हजारीबाग के विधायक हैं मनीष जायसवाल, जिन्होंने हाथों में जो है पंपलेट लिया है कि युवाओं ने दिया था मौका और बदले में मिला सिर्फ धोखा ही धोखा। ये तख्तियों के साथ जो है बीजेपी के जो विधायक हैं वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है आखिर युवाओं के साथ जो ये छलावा इस सरकार ने किया है इसको लेकर जवाबदेही देनी चाहिए सरकार को। सीधे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर युवाओं को लेकर जो है क्या कुछ इनका कहना है। क्या कहेंगे विधायक जी, युवाओं के लिए कितना जो है उम्मीद था इस सरकार को? देखिए, ये सरकार आई ही थी एक हसी मुंगेरी लाल का सपना दिखा करके कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम वादों की झड़ी लगा दी थी। और आज जब ज़मीनी हकीकत देखिएगा तो ये झारखंड बेचू सरकार निकली, कोयला बालू, अभी तो नौकरी भी अब आप देख रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये सारा चीज़ अब इन्होंने बेच दिया। तो युवा तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहे हैं, प्रत्येक हर एक झारखंडी आज अपने आप को कटघरे में खड़ा देख रहा है कि उनसे गलती हुई है और जितना जल्दी से जल्दी मौका मिले तो इस गलती का वो लोग समाधान चाहते हैं, अपना संशोधन चाहते हैं। तो गरीबों को आवाज दे रही है, सरकार बोलती है कि हमने दिया है और भी कई सारी योजनाओं का जो है लाभ दे रही है। देखिए, 4 साल हो गए प्रधानमंत्री आवास, जो कि एक श्योर शॉट फार्मूला है, जिसके तहत अभी हमको लगता है कि 4 करोड़ से ज़्यादा घर अभी तक इस देश में बन चुके हैं, उसको इन्होंने रोक दिया। अभी एक अबुआ आवास के नाम पर लोगों को बबुआ बनाने का काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक भी किसी को पैसा ट्रांसफ़र हुआ हो तो वो सामने आकर के बताए, पैसा किसी को भी नहीं मिला है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके तहत पैसा ट्रांसफ़र होने में ना तो इनके पास प्रावधान है पैसे का और ना ही सारे क्लियरेंसेस इनके पास है जिससे कि लाभुक के अकाउंट में पैसा जा सके। तो ये इलेक्शन ईयर है और जैसे 5 साल पहले 5 लाख नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सरकार का जो ऋण है किसानों का माफ़ करेंगे, उसी प्रकार से एक और धोखा, एक और छलावा देने का ये प्रयास है जिसमें झारखंड की जनता इस बार नहीं फंसेगी। तो सर, आज कौन कौन से मुद्दे होंगे जिससे लेकर आप लोग सरकार पर सवाल करेंगे? देखिए, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और आज के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए ये मुद्दा है कि युवाओं के रोजगार का क्या होगा। JSSC का जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, बेचने का आरोप लोगों पर लग रहा है, तो उसका समाधान कैसे होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर के आज ही नहीं, आज और आज से आने वाले दिनों में भी हम लोग मुखर रहेंगे। तो साफ तौर पर